नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 10 जून है, बुधवार का दिन है। आज राहु काल का समय रहेगा 12:36 से लेकर के 1:42 तक का। आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और चंद्रमा मकर राशि में विचरण कर रहे हैं। इसी के साथ आप लोगों के लिए राशियों की बात मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं, आज बुधवार का दिन है तो छोटा सा उपाय। जो यहाँ जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, क्योंकि इस समय पर हर किसी के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस का समय है, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा आज ये है, भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं आप लोग। और भगवान गणेश को पान के पत्ते में सुपारी रख करके जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके काम में पूर्णता आएगी, कंप्लीशन आएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और नए काम करने के ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, एक्सपेंशन के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। चलिए इसी के साथ करते हैं आप लोगों के लिए राशियों की बात। मेष राशि, द डेवल एंड द फूल कार्ड निकल रहा है। पहली बात तो आज बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करें, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आज थोड़ा सा इमोशनल साइड पर होकर के आप लोग सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आज के दिन का उपाय, गणपति जी को दूर्वा जरूर अर्पित करें। वृषभ राशि, 5 of Wands एंड 9 of Swords रिवर्स कार्ड निकल रहा है। जो व्यर्थ के वाद विवाद थे वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। नए कार्यों की शुरुआत इस समय पर बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक छोटा सी बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड पर होकर के मत सोचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाएं। तो ज़रूरी नहीं आप अपनी हर बात को सामने वाले को समझाने का प्रयास करेंगे, कुछ बातें जो हैं वो बिना कहीं भी समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा वृषभ राशि वाले लोग कहीं ना कहीं पर आप लोग अपने से आज बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनसे मोटिवेटर हो सकते हैं, नौकरी बदलने का प्लान आउट कर सकते हैं। आज के दिन का उपाय, हरे रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी गौशाला में जाकर के हरे रंग का चारा, यानी कि हरा चारा जो होता है, उसका आप दान कर सकते हैं। वो अपने हाथ से गाय को खिलाएंगे तो बेहतर रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि, एस ऑफ कप्स एंड 3 of Wands कार्ड निकल रहा है। आपको हर जगह से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज किसी नए कार्य की शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं उसमें आपके लिए पूर्णता नजर आ रही है, यानी कि वो आपके लिए फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। छोटे मोटे आप लोगों के लिए जो खासतौर पर इन्फेक्शन हैं उससे थोड़ा सा बचकर चलने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। उपाय आज ये है, अपने घर में गूगल या कपूर की धुनी देने से आपके लिए एंग्जाइटीज़ खत्म होंगी और खासतौर पर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है वो खत्म होगा। बात करते हैं कर्क राशि, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। पैसे से जुड़ी हुई दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस का समय जो अभी तक चल रहा था आप लोगों के लिए, धीरे धीरे करके वो इश्यूज खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो डीक्लटर करने का प्रयास कीजिए खुद को, यानी कि जो ओवरबर्डनाइज आप खुद को कर रहे हैं ना, वो खत्म करने का प्रयास कीजिए। इस समय पर जितना ज़्यादा स्ट्रेस कम लेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग एनर्जेटिक भी रहेंगे और उतना ही ज़्यादा आप अपने काम में अच्छी तरह से इनपुट दे पाएंगे। कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये समय ऐसा है कि आप लोग थोड़ा सा फोकस्ड होकर के कार्य करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा नजर आ रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी समय अच्छा नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। उपाय सिर्फ इतना सा है, इस समय पर आप लोग भगवान शिव की आराधना जरूर करें और शिव परिवार, अगर आप मंदिर में जा सकें, शिव परिवार की पूजा एक साथ कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। गणपति जी को कनेर के पुष्प अर्पित करना आज अच्छा है। सिंह राशि, द वर्ल्ड एंड 8 of Swords कार्ड निकल रहा है। कंप्लीशन नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप लोगों के लिए काम जो है उसकी अधिकता भी रहेगी और पूर्णता भी रहेगी, यानी कि काम जो है आपके समय पर पूरे भी हो पाएंगे और साथ ही साथ में काम ज़्यादा आपको मिल भी सकते हैं। जो लोग नए वर्क ऑर्डर्स के बारे में सोच रहे थे उनको वर्क ऑर्डर्स मिल सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके पूरे हो सकते हैं। सिंह राशि वाले लोग थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करके चलें तो चीज़ें आपके लिए बहुत स्टेबल नज़र आ रही हैं। आज के दिन में खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा नज़र आ रहा है। जो बच्चे लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे जो लोग, उनके लिए बहुत फोकस्ड रहना आज इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों के लिए आज के दिन का उपाय इतना है कि आपको गणपति जी को कलम अर्पित करना है और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। कन्या राशि, पेज ऑफ वॉन्स एंड 6 of Swords कार्ड निकल रहा है। अपने सीनियर से आज बहुत कुछ सीख सकते हैं आप लोग, या फिर उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। अपने करियर के प्रति कोई खास डिसीजन लिया जा सकता है आज के दिन में। कन्या राशि वाले लोग अपने रिश्तों की महत्वता को समझेगा। ज़रूरी नहीं आप सारा टाइम अपने प्रोफेशनल लाइफ को दें, अपनी जॉब को दें, अपनी हर एक उस चीज़ को दें जो आपके लिए अभी तक प्रायोरिटी बनी हुई थी, क्योंकि इस समय पर रिश्तों में भी कोई खास एक चेंज करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपके पार्टनर्स आज बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपसे लगा सकते हैं, तो उस चीज़ को बैलेंस करने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन का उपाय, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए जो रोज़मेरी एसेंस है उसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, आपके रिश्तों में मिठास लेकर के आएगी। या फिर राधा कृष्ण की उपासना करना या उनको चमेली के पुष्प अर्पित करना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है।
लिब्रंस तुला राशि एस ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। लिब्रंस के लिए समय काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी तो लेकर के आएगा, लेकिन आपको इस समय पर स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, काम का बर्डन बढ़ेगा और ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए एक तरह के चेंज जो है वो आप महसूस करेंगे। इस समय पर दूसरों को देख करके कोई डिसीजन नहीं लें, दूसरों के कहे में आकर के कोई डिसीजन नहीं लें, वरना आगे चलकर आपको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ सकता है। अपनी प्रॉब्लम्स को, पर्सनल इश्यूज़ को किसी बाहर वाले के साथ आज डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करें। तुला राशि वाले लोगों के लिए सिर्फ एक छोटा सा उपाय रहेगा, आज चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएगा, डी स्ट्रेस रहेंगे और साथ ही में कन्फ्यूजन्स खत्म होंगे। स्कॉर्पियोज की बात कर लेते हैं, एट ऑफ पेंटाकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है, तो आज का दिन जो है आप लोग खासतौर पे व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहेंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस आज खत्म हो सकती है स्कॉर्पियोज, क्योंकि ग्रहण आप ही की राशि में पड़ा था, तो इस समय पर भी क्योंकि 15 दिन तक उसका असर ज़रूर रहता है, तो अभी भी आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रेस जो है वो बढ़ सकता है। आगे मैं ये कहूँगी कि आने वाला हफ्ते में अपनी सेहत को लेकर के मेंटल स्ट्रेस को कम कीजिएगा। इस समय पर जितना हो सकता है काम को नए नए वर्क ऑर्डर्स लेने से बचिएगा, और जो काम जो आपकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है उस काम में आप लोग हाथ मत डालिएगा। स्कॉर्पियोज के लिए समय पर रिश्तों पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों के लिए उपाय छोटा सा रहेगा, आज कपूर की धुनी अपने आसपास ज़रूर दीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। धनु राशि थ्री ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है, आपको दूसरों से मदद लेनी पड़ सकती है। छोटे छोटे कामों में आप अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। धनु राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आ रहे हैं अपने काम में, अपने टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर रखेंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे आज कहीं ना कहीं पर आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं या आपकी बातों को सराह सकते हैं। आप लोगों के लिए उपाय सिर्फ इतना सा है, धनु राशि वाले लोग आज सुबह उठ करके ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और गणपति जी के आगे गाय के घी का दीपक लाएंगे। मकर राशि फोर ऑफ पेंटाकल्स एंड द मजिशियन कार्ड निकल रहा है, आप लोगों के लिए समय पर, आपके लिए खासतौर पर जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत फोकस्ड होकर के अपना कार्य कर रहे हैं, आपको अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। मकर राशि वाले लोग इस समय पर थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रमा आज आप ही की राशि में है, तो कहीं ना कहीं पर थोड़ी बहुत इमोशनल साइड आपका बढ़ सकता है, भावुकता बढ़ सकती है रिश्तों के अंदर, थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। छोटी छोटी बातों को आप दूसरों पर थोपिएगा नहीं, आज के दिन में रिश्तों में एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों के लिए आज उपाय ये है, अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आज दीपक ज़रूर जलाएगा, ऐसा करने से आप देखेंगे एनर्जाइज रहेंगे आप और ख़ासतौर पर पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ेंगे। अपने घर के वॉशरूम्स में नमक का पानी भर के ज़रूर रखिएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि, फोर ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय ज़रूर बिताएंगे और आज दूसरों के बहकावे में नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज अल्टीमेटली अपनी फैमिली की बातें सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आप बाहर के लोगों की बातें सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं पर आपको लोग भड़का सकते हैं, किसी चीज़ के पीछे बैक बिचिंग हो सकती है, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। किसी भी चीज़ के एडिक्शन से बच करके चलेंगे। कुंभ राशि वाले लोग जितना ज़्यादा अपने करियर के लिए मोटिवेटेड रहेंगे आज उतना अच्छा है, क्योंकि कोई बड़े चेंजेस आज हो सकते हैं अपने करियर के अंदर, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया जा सकता है। उपाय क्या करना है, आज के दिन में हरे रंग का प्रयोग आपके लिए अच्छा रहेगा और हो सके तो आज राधा कृष्ण की उपासना जरूर कीजिएगा। मीन राशि टू ऑफ वांड्स एंड थ्री ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है, पैसे से जुड़ा हुआ लाभ हो सकता है। जो खास तौर पे उच्च अधिकारी हैं यानी कि सीनियर्स हैं, उनको इस समय पर प्रमोशन का योग बन रहा है उनके लिए, और खासतौर पे जो समय चल रहा है आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर के ज़रूर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपके लिए माइंड वेरिएशन ज़रूर रहेंगे यानी कि मूड स्विंग ज़रूर रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़े बहुत एंग्जाइटीज़ बढ़ सकते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। आज के दिन में उपाय आप लोगों के लिए सिर्फ छोटा सा है, गणपति जी की आराधना ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में नमः शिवाय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिएगा, ऐसा करने से आपके लिए जो स्ट्रेस है वो खत्म होगा। प्रदोष काल का समय चुनेगा नमः शिवाय का जाप करने के लिए। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।